अनुराग कश्यप की फिल्म मुक्काबाज 12 जनवरी को रिलीज हुई और आलोचकों को भी ये मूवी काफ़ी पसंद आई है। क्या नया है इस फिल्म में और क्या आपको इस कहानी के लिए सिनेमा घरों में जाना चाहिए, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सुमन सिंह हमारा बरेली की टीम का सबसे बढ़िया मुक्काबाज। अनुराग कश्यप का 156 मिनट का एक्शन ड्रामा मुक्काबाज समाज के हालात से जुड़ी कई प्रथाओं पर जोरदार प्रहार करता है। काफी समय बाद बॉलीवुड ने एक सामाजिक और राजनैतिक टिप्पणी करती हुई फिल्म बनाई है। अनुराग कश्यप की बाकी फिल्मों की तरह यहाँ भी हकीकत का मैला और काला चेहरा देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया फिल्म का प्लॉट आपको राज्य की राजनीति और इसकी उग्र सच्चाइयों में धकेल देता है। विनीत सिंह, जिमी शेरगिल और जोया हुसैन फिल्म के तीन बड़े किरदार हैं। अदाकारी के मामले में सारे किरदारों ने अच्छा काम किया है। फिल्म के निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है जो बताता है कि फिल्म में हीरो विनीत सिंह ने 35 साल की उम्र में इस किरदार के लिए 2 साल पंजाब में मुक्केबाजी की ट्रेनिंग ली। इसके लिए पैसा जुटाने के लिए उन्होंने अपने सामान तक को बेच दिया। ये पैसा नहीं हमारा, पैसा। जिमी शेरगिल एक सवर्ण मुक्केबाज कोच का किरदार निभा रहे हैं और रवि किशन एक हरिजन कोच का। जोया हुसैन का किरदार फिल्म के सबसे मजबूत किरदारों में है। सुनैना मिश्रा यूपी के गांव के सवर्ण पितृसत्तात्मक परिवार की गूंगी महिला जो पढ़ना चाहती है और दुनिया देखना चाहती है। सुनैना को मारा जाता है, बांधा जाता है और कई जगहों पर वो कमजोर दिखाई देती है। इसके बाद भी सुनैना की आंखों में निडरता झलकती है। वो अपनी बात कहने से नहीं डरती, वो अपनी मांगे सामने रखने से नहीं डरती और अच्छे थप्पड़ और घूसे भी जड़ देती है। सुनैना एक पढ़ी लिखी खुशनुमा युवती है जैसी छोटे शहरों की आम महिलाएं होती हैं। बॉलीवुड की कहानी में एक महिला का इतना मजबूत चित्रण ताजा हवा के झोंके की तरह है। सिनेमाटोग्राफी और स्क्रीन प्ले दोनों ही कहानी को बांध कर रखते हैं। फिल्म का पहला सीन ही गौरक्षकों द्वारा की जा रही लिंचिंग से खुलता है। फिल्म में गौरक्षकों के आतंक, जातिवाद, महिला सशक्तिकरण और समानता को जगह दी गई है। लोकतंत्र में किस तरह धर्म से जुड़ी भावनाओं का दुरुपयोग करके गुंडागर्दी की जाती है, फिल्म बखूबी दर्शाती है। जिस तरह समाज पर तंज कसे गए हैं वो प्रगतिशील लेखकों के आंदोलन के समय लिखे गए साहित्य की याद दिलाता है। फिल्म की कहानी प्रेमचंद के समाज के अवलोकन की शैली से काफी मिलती जुलती है। मुक्काबाज के अपने कमजोर कोने भी हैं। फिल्म को अडल्ट सर्टिफिकेशन दिया गया है और जाहिर है कि इसमें काफी हिंसा दिखाई गई है। कई सही और जरूरी बातें कहने के बावजूद फिल्म को आदर्श नहीं कहा जा सकता। नहीं, जो फिल्म दर्शाती है वो किसी भी तरह से पूरी हकीकत है। हालांकि फिल्म ऐसी कोशिश भी नहीं कर रही है। फिल्म कई जगह हकीकत को सही और गलत के अलग अलग घेरों में खड़ा कर देती है, जो प्लॉट का थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन लगता है। कई जगह कहानी की परिकल्पना हकीकत से परे चली जाती है। तो यदि आप तीखी सामाजिक टिप्पणी, बेहतरीन अदाकारी, असलियत से जुड़ी एक कहानी और कुछ मुक्के देखना चाहते हैं तो ये फिल्म जरूर देखें। मुक्काबाज हल्के मनोरंजन से काफी दूर है और आपको कुछ देर के लिए ही सही सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। एक आखिरी बात, फिल्म का आखिरी संवाद है भारत माता की जय। साधिका तिवारी, गो न्यूज। आदेश देते हैं।